तरफ देश होली के पर्व में डूबा है, तो वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भीषण आग लग गई, जिसमें मुख्य पुजारी समेत 13 लोगों के झुलसने की खबर है। ये हादसा तब हुआ जब मंदिर में होली के दौरान भस्म आरती की जा रही थी। गुलाल उड़ाने से वहां आग फैल गई। झुलसने वाले लोगों में मुख्य पुजारी और सेवक शामिल है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी नीरज कुमार सिंह का भी बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज सुबह भस्म आरती के दौरान गर्भगृह के अंदर आग लगने का मामला हुआ है, जिसमें मेरा आए हैं बयान का अस्पताल में भर्ती किया गया है। कितने पंडित पुजारी शामिल हैं, किस प्रकार की उनकी स्थिति? 13 लोग इसमें आए हैं, आपको बता दें कि महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान आग लग गई, जिसमें मुख्य पुजारी संजय गुरु, विकास पुजारी, मनोज पुजारी, अंश पुरोहित, सेवक महेश शर्मा और चिंतामन गहलोत सहित अन्य कई लोग घायल हो गए। इस खबर के बारे में और आगे जो भी जानकारी मिलेगी उसे भी हम आप तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबर। धन्यवाद।